हेलो गाइस, हाँ जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, क्लास 10th की। इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि मान लो कि सबसे पहले हमने सीखना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सीखना सबसे पहले हमने, तो ये हमारी मान लो कि एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाई डैश। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला जो है ये नेगेटिव होता है। तो एक एट एनी पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट है मेरा एक्स वन कोमा वाई वन, और यहाँ पॉइंट बी क्यू पे ये पॉइंट है मेरा एक्स टू कोमा वाई टू। जो एक्स टू होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि नीचे ये लाइन मार लूँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये रिप्रेजेंट करेगी एक्स वन, इतना ही एक्स वन होगा, और ये वाई वन, ये वाई वन होगा, इतना इतना पोर्शन जो है ये आपका वाई वन होगा। तो जो अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ इस लाइन को, तो ये पॉइंट एक्स टू देगा मुझे, और इसको यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट मुझे वाई टू देगा। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है पी क्यू, तो इसका इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मान लो कि इसको मैंने पी मान लिया है, मान लो, है ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पी है और ये क्या हुआ है आपका, ओके। तो इसको मान लेते हैं हम एक्स वन वाई वन, ठीक है, और इसको मान लो आप एक्स टू वाई टू, ठीक है कि नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कैसे निकालेंगे, पाव में लिख देता हूँ मैं पी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स टू की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो मैंने यहाँ पे फोर डाल दिया। माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, टू है, टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू की वैल्यू कितनी है, वन है, और वाई वन की वैल्यू कितनी है, थ्री का होल स्क्वायर। तो चार में से दो गया, चार में से दो गया, कितना रह गया, दो, दो का होल स्क्वायर। एक में से तीन गया, एक में से तीन गया तो माइनस दो होता है, लेकिन माइनस दो का स्क्वायर क्वांटिटी का जो स्क्वायर होता है ना, जैसे माइनस दो का स्क्वायर हो गया तो वो प्लस फोर देगा आपको, कैसे, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस से माइनस कट जाता है और टू टू जा फोर ही होता है। तो आप ये समझ लो कि जब माइनस का स्क्वायर होगा, या जैसे माइनस की पावर फोर होगी, ठीक है, तो भी वो प्लस देगा, या माइनस टू की पावर सिक्स होगी तो भी वो प्लस देगा। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट फोर प्लस फोर, अंडर रूट में फोर प्लस फोर, तो ये आ गया रूट एट। तो रूट एट का अगर आप एलसीएम लेते हो, एट का एलसीएम अगर आप एट का एलसीएम लेते हो, तो ये एट है जैसे कि, तो टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, तो टू का पेयर बाहर आएगा, जैसे लिखते हैं ना टू इंटू टू इंटू टू, तो जिसका पेयर बना वो बाहर आ गया और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर आ गया। तो टू रूट टू जो है ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकेंड में ये दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू। सिमिलरली इसको मैंने पॉइंट क्या मान लिया, पी, और इसको इसको क्यू मान लो, इसको पी मान लो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बिटवीन पी क्यू इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हमेशा आपने फॉर्मूला पहले यूज़ करना है। एक्स टू कितना है, माइनस वन, बीच में क्या आता है, माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस है तो माइनस फाइव का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे लगा रहे, चाहे आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है। प्लस वाई टू, वाई टू यहाँ ऐसे लिख सकते हो, वाई टू कितना है, थ्री, माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई वन कितना है, सेवन। तो ये आ गया माइनस माइनस, पहले प्लस होगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर, थ्री माइनस सेवन तो माइनस टू होता है, माइनस फोर होता है का होल स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस, तो एक में से पाँच गया चार का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, कितना आ गया, सोलह प्लस सोलह, सोलह प्लस सोलह, तो सोलह प्लस सोलह बत्तीस होता है, अंडर रूट में है, तो बत्तीस को, बत्तीस का एलसीएम ले लो, दो से कटा सोलह पे, दो से कटा आठ पे, दो से कटा चार पे, दो दूनी चार, दो एकम दो, एक पेयर दो पेयर, दो दो और दो बाहर आ गए तो चार बन गए, अंदर में रह गया रूट टू। ओके, बहुत आसान है। अब वैसे ही यहाँ ए भी है तो थोड़ा ये प्रॉब्लम देगा आपको। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, इसको मान लेते हैं हम क्यू पी, इसको मान लेते हैं क्यू, क्यू और पी, पी क्यू, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है, एक्स टू वैल्यू माइनस ए, माइनस ए, माइनस एक्स वन कितना है, ए है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है, वाई टू वैल्यू माइनस बी, बीच में माइनस वाई वन का होल स्क्वायर।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 टू बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये कितना आ गया आपका 4a² प्लस 4b², अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको नीचे, इसको काट दो, नीचे नीचे कर लेते हैं 4, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का बाहर आ जाता है, अंडर रूट में अगर 4 हो तो वो 2 बन जाता है, तो 2a² प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो थे डिस्टेंस फॉर्मूले पे, बेसिक क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूले पे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है कि फाइंड द, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो ऑब्वियस ही बात है, एक तो मेरा 0 0 है, ये x1 y1 है, और एक है 36 और कॉमा 15, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, कुछ भी मान लो, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखो 36, x1 की वैल्यू 0 देखो का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 36 का स्क्वायर, 36 में से 0 गया 36 ही आएगा, 15 में से 0 गया 15 आएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर अगर आप करोगे 36 × 36 6 6 36 3 ऊपर 6 3 18 और 6 3 18 और 3 21, 3 6 18 3 6 18 3 3 9 3 9 और 1 10 6 9 2 1 1 2 9 6 प्लस 225, अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 225, 6 5 11 12 5 1521। तो 1521 होता है 39 का, ये याद रख लेना कि 1521 जो है 39 का होता है, ईजी, कुछ नहीं किया। आगे ये बोल रहा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, ये सेक्शन 7.2 है, वहाँ पे दो गांव के बारे में बताया हुआ है, टू टाउन्स के बारे में, वहाँ से आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये मान लेता हूँ मैं ए, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये बी और ये सी, कहता बताओ कि लाइन में है कि नहीं है। तो लाइन में कैसे, मतलब कोलिनियर को बोलते हैं लाइन में है कि नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं 1 5 2 3 और -2 11। अब देखो अगर कोई भी चीज़ कोलिनियर होती है ना, तो मान लो कि मैं ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी गया, ठीक है, तो ये 5 है और ये 5 है, अगर ए सी जो डिस्टेंस जो 10 निकला, अगर ए सी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी के इक्वल आए, मतलब 10 = 5 + 5 है ना, मतलब एनी टू इन तीनों में से किसी दो का सम, किसी दो का, तो मतलब यहाँ पे ए बी सी जानबूझ के जूम किया, किसी दो का सम अगर तीसरे सम के इक्वल आ जाए तो लाइन जो है कोलिनियर है, मतलब वो कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं। तो पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो मैं यहाँ पे ए लिख दिया और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, पहले ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2, छोटा छोटा लिखा है मैंने, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, बताओ कितना आ गया, दो में से एक गया एक, और 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 4 √5 आ गया। देखो पहला आ गया √5। अब मैं बी सी निकालता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, पहले बी सी लिख लेते हैं, बी है मेरा 2, 3 और सी है मेरा -2, 11, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक है, x2 पहले फॉर्मा लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, यहीं पे कर दें, यहाँ कर देते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू छोटा छोटा x2 कितना है -2 - 2 -x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 -y3 कितना है 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया -± - 4 का होल स्क्वायर, 11 में से 3 गया 8 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यह आ गया 6 4 10 6 7 8 80 आ गया, ये 80 आ गया, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, तो 11 में से 3 गया 64 और 16 6 4 10 6 7 8 √80। हाँ जी, तो पता क्या गड़बड़ हुई है, ये ना -11 है, ठीक है, तो -11 तो -14 हो गया, -14 का होल स्क्वायर, तो ये 196 होता है, तो 196 हो गया ये मेरा, तो ये आ गया 6 6 12 हासिल एक 16 हासिल एक 2 हो गया, 262 हो गया, ये अभी भी गलत हो रहा है, 196 और 16 6 6 12 हासिल 9 10 11 212
212 आ गया ये डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 212, और ये आ गया ए सी कितना डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज रूट पाँच। ध्यान दे अब रह गया ए और सी का, ए लिख लिया 1.5 और सी लिख लिया है मैंने -2 और -11। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज x2 -x1 का होल स्क्वायर, यही निकालेंगे, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये x2 -x1, 1 है x2 तो -2 है और x1 जो है -1 है, 1 है मतलब बीच बीच में माइनस लगा है, तो x2 हो गया -2 -x1 हो गया 1। ठीक है, अब y2 हो गया -11 -y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -3, माइनस माइनस प्लस होता है -3 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होता है -16 का स्क्वायर, ये आ गया 256, 9 + 256, तो 9 + 256 कितना हो गया 6 15, हाँ सिलेक्ट 265 हो गया, 265 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 265 डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब मुझे बताओ कि एक तो पहली बात कि 265 जो है 212 में ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स ही रूट में ऐड होती हैं, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस, मतलब देयर फोर सीधा लिख दो, देयर फोर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, कि ये कोलिनियर है ही नहीं। ठीक है, जो ए बी सी है आर नॉट कोलिनियर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो ए बी सी है आपका वो नॉट कोलिनियर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। कहता है चेक वेदर दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, मतलब एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर, एक होता है इक्विटोरियल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, इक्विटोरियल ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये अगर ए बी सी लिख रहा हूँ मैं, बी सी, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगती है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बस वही बात है कि दो पॉइंट्स मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे तीनों निकालने हैं, तो मैं पहले ए बी यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ लिख दिया है मैंने कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जब मैं ए बी की बात करता हूँ तो मैं ए बी लिख लेता हूँ, 5, -2 और 6, 4, तो ये क्या हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल लेते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 पहले फॉर्मा लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x2 कितना है 4, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, और -4 + 2 का स्क्वायर कितना आ गया 1 + 4 और 2 होता है 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो 1 + 36, तो ये आ गया √37, डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ चुका है √37। ओके, अब निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी सी लिख लिया है 6, 4 और 7, -2, यहाँ लिख देते हैं x1 y1, ये x2 y2, यही चीज़ तो याद इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे लिखते ही नहीं है, ऐसे ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो बस आपने भी आपने क्या करना है, लिख के करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना चाहिए x2 - x1, इससे आपको परफेक्शन मिलेगी। y2 माइनस में देखो -y1, तो कितना आ गया ये 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, तो ये तो एक ही आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस फिर से देखो 1 + 36, अब देखो दो चीज़ें तो इक्वल आ चुकी हैं भैया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी √37 था, डिस्टेंस बिटवीन बी सी रूट, ये तो पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें बराबर, लेकिन मुझे थर्ड साइड भी निकालनी है फिर भी। ठीक है, तो ए सी मतलब मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है, आपका काम है ये निकालना माइनस, और ये 7 - 2, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x2 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 - -2 का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, तो ये 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर आ चुका है, और माइनस माइनस प्लस ये तो खत्म ही हो गया, कैंसिल ही हो गया, तो ये तो 0 हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -2 + 2 है तो ये 0 हो चुका है, तो ये √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √4 लिख लो चाहे, वैसे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो मैंने 4 लिख दिया तो 2 आ गया। अब थर्ड साइड निकालना इसलिए ज़रूरी है ना, यहाँ तो बोला था कि प्रूफ करो कि एसलेस है कि नहीं,
कभी कभार ऐसा पूछा होता है कि क्या ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ, मतलब तो ये चीज़ है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी बट नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, देयर फोर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।